प्रणाम राजकुमारी जी। आप यहाँ और वो भी इस प्रकार छिपकर? राजकुमारी क्या खाएंगी? पहले मैं आपकी आरती तो उतार लूं। राजगुरु जी, विलंब मत कीजिए, हम सभी आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। आपके लिए दीपावली की भेंट और उपहार लाए हैं। वैद्य जी ने कहा था कि इस औषधि को मुख पर लगाने से समस्त रंग उतर जाएगा। बस एक बार ये रंग उतर जाए, उसके पश्चात बाहर प्रतीक्षा कर रहे समस्त लोगों से दीपावली के उपहार लूटेंगे। अरे हाँ, हमें स्मरण हुआ, वैजी ने कहा था इस औषधि का जो उपयोग है वो नेत्र बंद करके करना है, अतः हम नेत्र बंद करते हैं। तुम हमारी हथेलियों पर ये थोड़ी थोड़ी औषधि डाल दो। अवश्य गुरुजी। डाल। इस बुढ़ी कपटी को दिन में तारे दिखाएंगे, इस औषधि रसायन से रंग एकदम पक्का हो जाएगा। डाल डाल दियो जी। डाल। धन्यवाद। रंग छूट रहा है ना? हाँ हाँ, छूट रहा है गुरुजी, छूट रहा है। थोड़ा और मलिए। ये भरी भांति छूट रहा है ना रंग? हाँ हाँ गुरुजी, अच्छे से छूट रहा है। धनी चले आईना लेकर आओ, गुरुजी को दिखाओ। जी अभी लेके आते हैं। ये देखिए गुरुजी, अपनी आंखों से देख लीजिए वैद्यराज की औषधि का परिणाम। क्या हो गया गुरुजी? क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, अब ऐसी दयनीय स्थिति में आप तो बाहर जाकर दिवाली वाले उपहार स्वीकार कर नहीं पाएंगे, किंतु चिंता न कीजिए, आपका ये बोझ हम उठाएंगे और दिवाली वाले सारे उपहार हम लेकर के आएंगे। धनी मनी आपके काम अवश्य आएंगे, हम जा रहे हैं आपकी सहायता करने। कुटिल बुद्धि दुष्ट मूर्ख, हम समझ गए ये तुम दोनों का किया था। छोड़ेंगे नहीं हम, तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, धनी मनी छोड़ेंगे नहीं। आइए राजकुमारी, लक्ष्मी पूजा आरंभ करें। कपटी कांता की बच्ची तुम? हाँ मैं। क्या? हाँ मैं। ये वस्त्र तो राजकुमारी के हैं। नहीं नहीं, ये वस्त्र तो मेरे हैं। मैंने रामधनी दर्जी से सिलवाए हैं। रानी महारानी राजकुमारी जैसे वस्त्र धारण करती है ना, वो वैसे ही वस्त्र सिल देता है। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है, जाओ जाकर पंडित रामकृष्ण जी को बुला कर लाओ ताकि पूजा का शुभारंभ हो सके। जाओ जल्दी से। हाँ वो आ जाएंगे, किंतु तुम ये आ जाएंगे अभी के अभी जाकर बुला कर आओ, मुहूर्त पूरा नहीं आएगा। ये उन्हें भी ज्ञात है और वो स्वयं लक्ष्मी पूजन कर लेंगे, किंतु तुम अभी अपने घर जाओ और अपने पिता के साथ लक्ष्मी पूजन करो। चलो। नहीं नहीं, यहाँ करूँ या वहाँ करूँ, समान बात है। तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार की परंपरा है कि केवल परिवार वाले ही साथ बैठकर पूजा करते हैं, इसलिए तुम अभी यहाँ से प्रस्थान करो। चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे जाओ जाओ अपने घर में पूजा करना। जाओ जाओ बड़ी राजकुमारी बनके। तो शारदा माँ, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बीता जा रहा है, पूजा करते हैं। माँ
मेरे सर पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, ताकि इस दिवाली में उस राजकुमारी से विजयनगर और स्वयं दोनों की रक्षा कर पाऊं। और हाँ, अब तो मेरे बापू से मुझे मिलवा दो। तुम्हें तो पता है ना, मैं बापू को खोजने हेतु ही इतनी सारी विपदाओं का सामना कर रहा हूं। बहुत डरावने लग रहे गुरु जी, कहीं लक्ष्मी माता ही न डर जाए। अच्छा चुप माँ, समझ गई ना, कुछ कीजिए। माँ, आज दीपावली के दिन सब तुमसे धन की आकांक्षा करते हैं, किंतु मैं तुमसे अपने बापू को मांग रहा हूं, क्योंकि एक पुत्र के लिए उसके पिता से बढ़कर और कोई धन नहीं हो सकता। मुझे मेरे बापू को लौटा दो मां, मुझे मेरे बापू से मिलवा दो। आशीर्वाद दो शारदा अम्मा कि तुम्हारा पुत्र विजयनगर की रक्षा हेतु कल पूछे जाने वाली अंतिम पहेली का उत्तर खोज सके और स्वयं को भी बचाने में सफल हो पाए। राजकुमारी अब तक दरबार में क्यों नहीं आई? वो शीघ्र पधार रही है महाराज। गुरुजी, अब आप अपना मुंह क्यों ढक के बैठे हैं? इसलिए ताकि हमारा काला मुखड़ा कोई देख ना ले। गुरुजी घबराते क्यों हैं? आपके धनी चारे मनी चारे ने चूना लगा के आपका सारा कालापन छुपा दिया है। क्यों मनी चारे जी? सत्य कहा धनी चारे जी, आपने हमारी यहाँ की बात छीन ली। गुरुजी चलिए अपने मुख से वस्त्र हटाइए। क्यों 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 क्यों? गुरुजी वरना सबको संदेह होगा। अच्छा ठीक है, हटाते हैं हटाते हैं। अब एक बात बताओ। बोलिए। ये हमारे मुख का जो रंग है वो तुम लोगों ने हमारी त्वचा के रंग जैसा कर दिया है ना? अरे गुरुजी एकदम वैसा ही कर दिया है, आप शंका क्यों करते हैं? अरे गुरुजी त्वचा का रंग तो छोड़िए, हमने आपके मुख को ऐसा चमका दिया है, ऐसा चमका दिया है, यह जो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि असली राजा तो यहाँ बैठे। और तो और गुरुजी, राजकुमारी आपके मुख को देख कर मंत्र मुग्ध हो जाएंगी। अच्छा इस वस्त्र को हटाते हैं। ये क्या है? ये सब आश्चर्यचकित होकर हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? मंत्र मुग्ध होने के स्थान पर ये तो हास्य मुग्ध हो रही है। क्षमा चाहते हैं राजगुरु, आपका चेहरा देखकर कोई भी हंस देगा। आपने अपने चेहरे पर ये सफेदी क्यों लगाई है? नहीं
सफेदी नहीं है राजकुमारी, ये तो भभूति है, महादेव की भभूति, शिव भक्तों के लिए प्रसाद तुल्य है। इसको लगाने से मुख पर मुस्कुराहट रहती है और मन शांत रहता है। अच्छा। तुम दोनों को तो हम बाद में अपना तांडव दिखाएंगे। हमारा भय सत्य सिद्ध हुआ। महारानी की इस देवी पहेली का उत्तर देने में तो पंडित रामाकृष्ण के प्राणों को संकट हो सकता है। राजकुमारी जी, हम सभी आपकी अगली पहेली की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगली पहेली पूछिए। कुछ तो बात है भास्कर, राजकुमारी के मुख पर पहेली पूछने का उत्साह नहीं दिख रहा। राजकुमारी जी, यदि आप निश्चित नहीं कर पा रही हैं कि पांचवी पहेली कौन सी पूछी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अगले वर्ष पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए ये प्रतियोगिता यहीं स्थगित कर देते हैं। हमारी राजकुमारी अगर गहन निद्रा से भी उठी हो तो वह ऐसी पहेली पूछ सकती है जिसका उत्तर देने में सभी की निद्रा उड़ जाए। महाराज, अगर हमारी राजकुमारी ने प्रतियोगिता रखी है तो वो उसे पूर्ण भी करेंगी। आपके लिए हमारी पहेली ये है, मृत्यु को भी परास्त करे, ऐसा गुण विकराल ये, भय के भी प्राण ले ले, इतनी तीव्र तलवार ये, यम क्यों ना सामने हो, मौज का मृदंग बजाए, ये मगन हो नृत्य करे, राग मल्हार गाए, सौ गज भू से ऊपर पंछी सम नभ में जो उड़ जाए, उपयुक्त स्वयं को सिद्ध करे, नमन सभी से करवाए। सौ गज भू से ऊपर नभ में उड़ जाए, ये कैसी पहेली है? राजकुमारी, आप हमें एक बात बताइए, खुले गगन के तले वायु में सौ गज ऊपर कोई पंछी की तरह कैसे उड़ सकता है? चलिए मान भी लिया, अगर वो उड़ भी गया तो पहेली का उत्तर देने के लिए जीवित नीचे कैसे उतरेगा? राजकुमारी ने ऐसी निरर्थक पहेली क्यों पूछी? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राजकुमारी स्वयं भी प्रसन्न नहीं है? ऐसी चाल चली है कि इस बार पंडित रामाकृष्णा का बचना असंभव है। बस अब हमें विजयनगर का महाराज बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पंडित रामाकृष्णा की मृत्यु होके रहेगी और फिर महाराज के प्राण हम ले लेंगे। पंडित रामकृष्णा, सुनिए सुनिए पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा, ये कैसी विचित्र से पहेली है, है? अब जैसी भी है उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना गुरु। हाँ, उत्तर तो देना होगा। हम तो ये कह रहे थे कि उत्तर देने में यदि आपके साथ कुछ अप्रिय घटित हो गया तो विजयनगर और विजयनगर की समस्त प्रजा के भविष्य का क्या होगा? इतने वर्षों के पश्चात आपका आगमन हुआ है तो एक आशा की किरण जागी है, वो किरण बुझनी नहीं चाहिए। आप चिंतित ना हो गुरुवर, मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, शिव जी की आग पर कृपा बनी रहे। नहीं, हम ये कह रहे थे कि अगर कुछ हो गया, नहीं होगा कुछ नहीं, यदि कुछ हो गया तो उस वो चिर यौवन वाली जड़ी बूटी उसका क्या होगा? है? नहीं, हम ये कह रहे थे कि ये पहेली का उत्तर देने से पूर्व आप उस जड़ी बूटी के विषय में हमें अवश्य अवगत करवा दीजिए, हमारा भला हो जाएगा।
क्या है? अरे अरे पंडित रामकृष्ण, अरे दे दीजिए ना जड़ी बूटी। हे माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से बापू ने अनगिनत बार मृत्यु को छला है, किंतु मुझमें ना तो बापू जैसा चातुर्य है ना ही सामर्थ्य। मैं मरना नहीं चाहता माँ, अभी मेरी आयु ही क्या है। मैं तो केवल बापू को खोजना चाहता था और उस चक्कर में मेरे स्वयं के प्राण दांव पर लग गए। सहायता करो माँ, दया करो, इस पहेली को बुझने का कोई तो संकेत दो। शारदा माँ, आपने सुना कि आज दरबार में क्या हुआ? पंडित रामकृष्ण जी को उस राजकुमारी ने ऐसी पहेली पूछी जिससे उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। उन्होंने ये पूछा कि 100 गज भू से ऊपर पंछी सम नभ में जो उड़ जाए, उपयुक्त स्वयं को सिद्ध करे, नमन सभी से करवाए। शारदा माँ, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होना, पंडित रामकृष्ण जी अवश्य उस पहेली को बुझने से मना कर देंगे, क्योंकि इस तरफ खुले आसमान में वायु के नीचे पहेली का उत्तर देना बिल्कुल ही संभव नहीं है। अब इसे क्या पता कि मेरा भास्कर अपने पिता के मान सम्मान की रक्षा हेतु कुछ भी कर सकता है। वो आसमान में इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल ही लेगा। यदि उसने ऐसा किया तो वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? उठा लो, इतने दिनों से उसके पसंद का कोई भोजन नहीं बनाया, आज सब बना देती हूँ, पता नहीं आज के बाद अवसर मिले ना मिले। एक ओर प्रेम समर्पण और दूसरी ओर प्राण दंड। आप तो मेरे साथ विवाह की आकांक्षी थी ना? जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो विवाह किसके साथ करेंगे आप? उत्तर दीजिए राजकुमारी जी, चुप क्यों हैं? क्या खेल है ये? खेल नहीं, युद्ध है, कर्म और भावना का युद्ध। हमने जो दरबार में किया वो हमारा कर्म था, हमने अपना कर्म का पालन किया और आज इस दरबार में हम अपनी भावना की जीत मांगने आए हैं। आपके प्राणों में हमारे प्राण बसते हैं पंडित रामकृष्ण जी, और हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी पहेली का सही उत्तर भी दें और दीर्घ आयु भी हो। आओ नकोश, आओ, क्या सूचना लाए हो? सुंदर सुंदर नर्तकियों का आगमन हो चुका है। संसार भर के श्रेष्ठतम संगीतज्ञ अपना अभ्यास आरंभ कर चुके हैं। कठपुतली एवं विभिन्न प्रकार के खेल करतब दिखाने वाले भी आ चुके हैं। बस अब तो उस घड़ी की प्रतीक्षा है जब आपका राज्य अभिषेक होगा महामात्य। आज हाथ नहीं उठाएंगे, आज अत्यधिक प्रसन्नता का दिवस है, किंतु नखुश अपने मस्तिष्क से कह दो, अपनी जिह्वा को सिखा दो कि हमें महामात्य कहकर संबोधित करना बंद कर दे, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब हम विजय नगर के राज सिंहासन पर बैठे होंगे और हर ओर हमारी जय जकार हो रही होगी। तनिक
बताओ तो कैसे? महाराज की जय हो, महाराज कैकाला की जय हो। हाँ महाराज कैकाला सदैव विजयी रहे। हाँ, एक अजीब सा कंपन हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो उठा है पूरे शरीर में। एक ऐसे सुख की अनुभूति हो रही है जैसे कभी, कैसे कभी। ऐसे क्या देख रहे हो? काम पे ध्यान दो। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन ही हमें विजयनगर के राज सिंहासन तक पहुंचा सकता है। अभी जाओ। अब विजयनगर के सिंहासन पर बैठने से हमें कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं पंडित रामकृष्णा।